हमने अपनी लाइफ में कई लोगों को देखा होगा जिनके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए तो दे विल ऑलवेज बी काम एंड फोकस्ड। बट कोई इंसान इतना शांत और इतना पीसफुल रह सकता है जब उसके सामने उसकी डेथ खड़ी हो। आज मैं एक ऐसे हीरो की बात करने जा रहा हूँ जिसके सामने उसकी मौत थी तो भी ही वॉज सो काम, सो पीसफुल एंड सो वेलकमिंग। हिज नेम इज दारा शिको। दारा शिको वॉज द सन ऑफ शाहजहां एंड एल्डर ब्रदर ऑफ औरंगजेब। जहां राजा महाराजा अपने किंगडम्स के एक्सपेंशन एंड कॉन्करिंग द वर्ल्ड की बात करते थे, वहां दारा अपने अंदर की दुनिया जानने के लिए अलग अलग जगह जाते रहते। वे अपने किंगडम को तो अच्छे से संभालते ही बट इसके साथ फकीरों के दरबार में भी अलग खजाना ढूंढने जाते। उन्होंने सूफीज्म को स्टडी किया और फिर उनके पीर मियां मीर ने उन्हें वेद एंड उपनिषद्स के बारे में पढ़ने के लिए कहा। वो उनको सीखने के लिए काशी गए एंड वहाँ उन्होंने वेद एंड उपनिषद्स को पढ़ के, उनको समझ के, उनको फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का स्टार्ट किया। औरंगजेब ने ये एक्ट के लिए दारा को ट्रेटर डिक्लेयर करके अपने ही किंगडम में स्लेव बना दिया एंड फाइनली गिव ऑर्डर्स टू किल हिम। जब दारा को पता चला कि औरंगजेब ने उसे डेथ की पनिशमेंट दी है तो इट इज सेड दैट दारा वाज सो काम एंड सो वेलकमिंग कि औरंगजेब भी सोचने लगे कि ऐसा तो क्या मिल गया है इसे जो मौत भी इसे हिला नहीं पा रही। दारा वाज किल्ड एंड आफ्टर फ्यू इयर्स औरंगजेब आल्सो डाइड। बट दारा शिको ने जो उपनिषद्स को फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था वो बुक आज भी है जिसका नाम है सिर ए अकबर, मीनिंग द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। इन 18th सेंचुरी दिस बुक वॉज स्टडीड बाय फ्रेंच एंड जर्मन्स एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस बुक दैट वन ऑफ द जर्मन फिलोसोफिस्ट मैक्स म्यूलर स्टडीड वेद एंड प्रोपोगेटेड इट। एक जगह औरंगजेब थे जो बाहर की दुनिया जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे एंड दूसरी ही जगह उनका भाई दारा शिको अपने अंदर की दुनिया जीत रहा था और शायद इसी प्रोसेस में वो अपनी बाहर की दुनिया में भी जीत गए। डिफिकल्टीज दोनों के सामने आए बट दारा शिको वॉज एबल टू हैंडल देम मोर कामली एंड मोर पीसफुली। क्योंकि शायद लाइफ की जर्नी ये नहीं है कि हम बाहर की दुनिया में कितना ऊपर जाते हैं बट शायद लाइफ की जर्नी ये है कि हम अपने अंदर की दुनिया को कितना सॉर्ट कर पाते हैं और उसे कैसे जीत पाते हैं सो दैट बाहर की दुनिया में अचीवमेंट्स अपने आप मिलती रहे। बट फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये अंदर की दुनिया को जीतने का फॉर्मूला कहाँ है, क्योंकि बाहर की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे मैनुअल्स अवेलेबल है बट ये अंदर की दुनिया को जीतने के लिए क्या कोई ऐसा मैनुअल अवेलेबल है? कहते हैं हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स है वो हमें अपनी अंदर की दुनिया को सॉर्ट करने के लिए मैनुअल है, हमें अपनी अंदर की दुनिया को जीतने के लिए यूजर गाइड है। तो क्यों ना एक ओपन माइंड के साथ उन्हें एक्सप्लोर किया जाए और अपने अंदर की दुनिया को सॉर्ट किया जाए सो दैट हमारे सामने जब भी लाइफ में कुछ भी आए हम कामली, पीसफुली एंड विद अ स्माइल उसे फेस कर सकते हैं। और अगर दारा शिको एंड इनके जैसे कई लीडर्स ऐसा कर सकते हैं तो हम भी एक ओपन माइंड के साथ, लेट मी फाइंड इट आउट एटीट्यूड के साथ इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं।